में तेरी अजब सी नशाएं हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस अद्भुत गाने के बोल लिखे हैं मैंने और मैंने सीखा है स्वयं श्री श्री धिनचक पूजा से। आगे कुछ और गाने भी आने वाले हैं, तो मेक श्योर पूरा वीडियो देख के जाना। तो दोस्तों क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? तो फॉग चल रहा है भाई। आजकल तो बॉलीवुड में भी फॉग ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो डिओड्रेंट वाला नहीं, हैश और वीड वाला। यो 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 यो, चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। जब से हमारी रिया आंटी जेल के अंदर गई है, मैडम ने तो शायद पूरा किजोरी खोल दिया बॉलीवुड का। पूरे बॉलीवुड में सिर्फ धुआं ही धुआं है। और इस धुएं को चीरते हुए बाहर आई खुद को बॉलीवुड का फीमेल सलमान खान समझने वाली दीपिका पादुकोण। कल दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? अभिनेत्री है। तो सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता? ये हमारी रणबीर चाचा की हराम पत्नी, धर्म पत्नी है। इनकी जोड़ी तो भगवान ने नहीं, किसी ड्रग माफिया ने बनाया होगा। जैसा पति वैसा पत्नी। तो रिसेंटली दीपिका के कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुए 2017 के, जिनमें ये अपने मैनेजर से माल मांग रही है और खुद बोल रही हैश है ना। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन ड्रग्स मांग रही है, वो भी व्हाट्सएप पे। वैसे हमारी रिया आंटी ने तो सुशांत के सारे पैसे ड्रग्स खरीदने में उड़ा दिए, अब दीपिका ने किसके पैसे उड़ाए? मेरे खुद के पैसे। तो एनसीबी वालों ने समन भेजा और मैडम वहां पहुंच गई और कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मशहूर मेरे व्हाट्सएप की चैटें हो गई, कहती है मैं गंजेड़ी हो गई, गंजेड़ी हो गई। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी, फिर से कहूंगा। अब देखिए मानेगी क्यों नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन जो ये थी। वैसे ये चैटे 2017 के निकले हैं, तो मतलब आप समझ सकते हो ना, अभी तक तो इनके पास गोडाउन भर गया होगा वीड और चरस का। दोस्तों लास्ट 6-7 महीने में तो कोई भी बॉलीवुड का मूवी नहीं निकला होगा, तो अब न्यूज चैनल वाले ऐसे खतरनाक टाइटल वाले हेडलाइंस बना रहे जिन्हें देख के बॉलीवुड भी घबरा जा रहा है। चार हीरोइन एक सवाल, किसने किसने लिया माल? बॉलीवुड की मस्तानी ड्रग्स की दीवानी, ड्रग्स का जाल दीपिका मांगे माल, माल है क्या बॉलीवुड में, भूचाल है क्या भाई? सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो न्यूज चैनल के रिपोर्टिंग तो देख के ऐसा लगता है कि ये टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं। कैमरा को तो एक जगह रखने का नाम ही नहीं है। ओ भाई थोड़ा सांस ले ले, कहीं एम्बुलेंस ना बुलाना पड़े तेरे लिए। आज तक हम जानते थे कि रिपोर्टिंग एक जगह पे खड़े होकर की जाती है, बट यहाँ तो पूरा टिकटॉक का वीडियो चल रहा है। अब आते हैं दूसरे मोहतरमा पे, इन्हें देखिए, इन्हें तो देख के लग रहा है कि ये खुद वीड पी के रिपोर्टिंग करने निकल गई। इस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए नहीं, मुझे ये सच में जानना है कि मैडम क्या सोच के सवाल पूछ रही थी दीपिका से। मतलब दीपिका क्या विंडो नीचे करके उनके सवालों का जवाब देगी? मतलब न्यूज चैनल की हिस्ट्री में शायद ऐसा इंटरव्यू किसी ने नहीं किया होगा, और जवाब देती तो शायद केस ड्रग्स का रास्ते में ही सॉल्व हो जाता। एनसीबी सीबीआई वालों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बोल रहा हूँ ये पक्का दीपिका को घर तक छोड़ के आई है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। भाई ये किस तरह का सवाल है, मुझे तो लग रहा है इस बंदे की सॉलिड कुटाई होने वाली है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना,
प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? मेरी माँ की चूत जाता क्या गांडू, क्या भी बताऊं तेरे को बॉक्सिंग का बैंड शॉट? मत 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 हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, मैं मीडिया वालों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये उनका प्रोफेशन है, बट यार फैमिली से आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? थोड़ा सा सोच के इंटरव्यू लीजिए। ये तो ऐसा हो गया कि किसी के मरने के बाद अब उसके फैमिली का इंटरव्यू लेके पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलिए बैक टू द टॉपिक ऑफ दीपिका। तो मैडम तो फेमस हो गई ड्रग्स के मामले में और उससे पहले देश के खिलाफ जेएनयू जाके प्रोटेस्टर्स का साथ देने में। तो बेसिकली कुछ ऐसे चूतिए हैं जो ऐसे लोगों को हमारे देश का यूथ आइकन मानते हैं। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोद के बच्चे। अब यार बाकी का काम तो NCB, NIA और CBI वाले कर लेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, और लाइक के साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।